नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नवादा में दो पक्ष के बीच पुराने विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक नाबालिग युवती की गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मूसन बिगहा गांव की है। आज मूसन बिगहा गांव में पुराने विवाद को लेकर कारू यादव और उनके अन्य सहयोगी अखिलेश यादव के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। हिंसक झड़प होते होते बात गोलीबारी तक पहुंच गई, जहां गोलीबारी की घटना में एक 16 वर्षीय युवती टुन्नी कुमारी को सर में जाकर गोली लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर एक दर्जन से अधिक फायरिंग की गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने 112 कॉल कर पुलिस को बुलाया, मगर तब तक सभी गांव छोड़कर फरार हो चुके थे। आनन फानन की स्थिति में घायल युवती को नवादा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल नगर थाना की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नवादा से अनिल शर्मा के साथ प्रिंस कुमार की रिपोर्ट। मट्टी लाने के लिए बोला, मट्टी नहीं डाल देंगे। फिर उसके बाद आया और रोड़ा थप्पड़ चलाने लगा। प्रशासन आया, सब गोली, तारू यादव, इंद्रदेव यादव, बलेश्वर यादव, कैलाश यादव, सब गोली चलाने लगा सब मिलकर। अच्छा, घर पर चढ़ दिया। मेरा गोली पर मार रहा था सब लोग मिलकर, मेरा बहन बचाने दिया तो मेरा बहन पे गोली लग गया। काहे मार रहा था? मार रहा था, गाड़ी ले जा रहे थे मट्टी लाने के लिए। उसके बाद बोला मट्टी नहीं ले आने थे, बोले तीस लिए नहीं ले आए। सब घर पर दिया मेरा बाबा हुआ रंगदारी कर रहा था, रंगदारी में ढेचा पत्थर लिया इसे और उसको मारने लगा। ये कहाँ पे घटना हुआ है? ये घटना गाँव पे हुआ है। कौन गाँव? मुस्लिम। तुम्हारा नाम? मेरा अखिलेश कुमार।